मैडम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूजा कुमारी है। आपको पूजा नाम से बुलाए कि दरोगा साहिबा के नाम से बुलाए? अभी तो फिलहाल दरोगा साहिबा से बुला सकते हो। जीतना है बनना है तो बनना है, आखिर लास्ट में हमारी जीत हुई। गांव वालों को जवाब नहीं देना है, बस रिजल्ट हो जाता है वही उसके लिए सबसे बड़ा जवाब है। मतलब मेहनत मजदूरी करते हैं? मेहनत बहुत मजदूरी करते, मेहनत करते हैं। पैसों के अभाव में पटना नहीं आ पाता, उन गरीब बच्चों के लिए क्या कहिए? अभी हम पटना के ज्ञान बंधु जीएस एकेडमी मौजूद है, जहाँ पे लगभग 300 छात्रों को दरोगा बनाया गया है। यहाँ पे उन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। बातें करेंगे कि जो छात्राएं दरोगा बनी है वो बिहार को संवारने में अपना कितना योगदान देगी। मैडम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूजा कुमारी है। आपको पूजा नाम से बुलाए कि दरोगा साहिबा के नाम से बुलाए? अभी तो फिलहाल दरोगा साहिबा से बुला सकते हो। किस जिला की रहने वाली है? सुपौल जिला। घर के परिवार को काफी उम्मीदें होंगी आपकी कि बेटी दरोगा बनेगी तो कुछ परिवार की दिक्कतें सुधर जाएंगी? हाँ वो तो रहा है, मेरे मम्मी पापा का बहुत संघर्ष रहा है मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, तो या उन लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं अभी भी है मेरे से कि मैं दरोगा बन के भी अच्छा करूँ। बिहार को संवारने में कितना सहयोग करिएगा अपना? जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी जितना मैं कर पाऊंगी मैं जरूर करूँगी, और उसको मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करूँगी जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी एज अ दरोगा। कौवा अटेम्प्ट था ये, कितनी बार में आपने सफल? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहली बार में? हाँ पहला अटेम्प्ट था। घर की बड़ी बेटी है आपकी? मैं एकलौती हूँ। अच्छा तो ये बताइए सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा, मम्मी पापा टीचर दोस्त, किसका सबसे बड़ा सहयोग? मम्मी पापा का। मम्मी पापा का। पटना में बहुत सारे कोचिंग संस्थान है लेकिन ज्ञान बिंदु के बारे में क्या कहिएगा? ज्ञान बिंदु का मैं जब पहली बार सुनी थी तो मेरे को यही पता चला था कि ये दरोगा फैक्ट्री है, लेकिन जब मैं यहाँ पे इनरोल हुई मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ मैं, तो मुझे सच में आज मैं दरोगा बन गई तो मुझे लग रहा है हाँ दरोगा फैक्ट्री है, यहाँ पे सच में दरोगा मतलब बनते हैं, तो वो या दरोगा। ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी कि ऑनलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं पाता है। नहीं वो बात क्या होता है ना कि जो ऑनलाइन में अगर हम हमारे टीचर जो बोल रहे हैं हम उसको फॉलो करें, जो वो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं या नोट्स है या स्टेज सीरीज है तो उससे थॉरली और ऑनेस्टली अगर फॉलो करें तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन मैटर नहीं करता है। अच्छा बच्चे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 300 जो दावा किया जा रहा है वो झूठा है, क्या लगता है 300 बच्चे यहाँ से सफल हुए अभी तक? वो तो अभी आप देख ही सकते हो कि क्राउड तो बहुत ज़्यादा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर में जो इवन हमारे ट्रेनर जो थे हम लोग के साथ जो ट्रेनिंग कर रही थी मतलब रनिंग सब जो प्रैक्टिस कर रही थी उनमें ही कुछ लोग हैं जो घर पे नहीं आ सके, तो अब सोचिए बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आ सके और अभी इतना क्राउड है तो कैसे फेक हो सकता है। आने वाले स्टूडेंट को छात्र छात्राओं को क्या सजेस्ट करिएगा? मैं यही बोलूँगी कि अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत और डिसिप्लिन अपने पढ़ाई को लेकर के, और जो टीचर्स बोल रहे हैं जैसे ज्ञान बिंदु है अगर यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो तो जो टीचर्स बोल रहे हैं जो भी नोट्स दे रहे हैं जो टास्क दे रहे हैं जो टेस्ट है उसे सही से फॉलो करें तो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तो लोग बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करते हैं, ये तो दरोगा है ये भी मतलब। मैडम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है मैडम आपका? पूजा कुमारी। आप कहाँ की रहने वाली? गया डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली। अररिया? गया डिस्ट्रिक्ट। गया? गया से पटना में ऑफलाइन क्लासेस करती थी कि ऑनलाइन? मैं रहती थी यहीं पटने में लेकिन मैं ऑनलाइन क्लासेस करती थी। आप भी मिडिल क्लास परिवार से आती हैं? जी हाँ। अपने माँ बाप को बहुत उम्मीदें होती है कि बेटा बेटी जो है कि पढ़ के कुछ नौकरी लेगा तो कुछ अच्छा होगा, अब वो उम्मीदें क्या लगता है सफलता कुछ हासिल करने के बाद कुछ अच्छा होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, अच्छा बहुत अच्छा होगा। पिताजी क्या करते हैं आपके? वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन। तो कब से तैयारी करती है पटना में आप? मैं 3-4 साल से थी। 4 साल से? हाँ मेरा 3rd अटेम्प्ट था। तीसरा? हाँ तीसरा अटेम्प्ट में मतलब दरोगा बन ही गई? मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब फाइनल तक पहुंची लेकिन उस टाइम 160 था हाइट, तो जिस वजह से मेरा 0.2 से नहीं हुआ, और फिर 2213 आया तो उसमें मेरा मेरिट में नहीं हुआ, बाकी इस बार में फाइनल रिजल्ट। जिद था बनना है तो दरोगा ही बनना है? जिद था कि बनना है तो बनना है, आखिर लास्ट में हमारी जीत हुई। घर से जब बेटियां पटना पढ़ने आती है तो गांव वाले भी ताने मारते हैं कि कहां बेटी को पढ़ाने भेजा, अब गांव वालों को क्या जवाब दे रही हैं आप? घर के माँ बाप किस क्या जवाब दे? गांव वालों को जवाब नहीं देना है, बस रिजल्ट हो जाता है वही उसके लिए सबसे बड़ा जवाब है। अब तो सब लोग की बेटी बड़ी पढ़ने में अच्छी थी, बड़ी अच्छा हुआ। हाँ ये तो है, बहुत सारी बातें है। घर में कितने भाई बहन आप? आपके आपको देख करके घर के और भी बच्चे सीखेंगे? हाँ जी। चलिए दरोगा बन गए, बिहार को कैसे सुधारिएगा? सिस्टम बड़ी लाचार बताया जाता है, बहुत लाचार, लेकिन अपना हद तक कोशिश किया जाएगा कि जो सिस्टम है उसे सुधार किया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। हमारे साथ एक और भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ के रहने? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। भागलपुर के रहने वाले, को अटेम्प्ट में आप दरोगा बने? एक कह सकते सेकंड, पिछले अटेम्प्ट मतलब पूरा तरह से फाइनल नहीं हो पाया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, मतलब घर से ही तैयारी कर रहे थे तो इस बार सोचे अब फाइनल सिलेक्शन लेना है तो यहाँ आना ही पड़ेगा। कभी सोचे थे कि हाथों में शोक स्तंभ होगा, गले में जो है कि लॉकेट होगा, ये कभी सोचे थे आप? नहीं, ये तो सपना मतलब था कि दरोगा बनना ही है, छोटा एग्जाम को नहीं लेना है। बिहार पुलिस सबको बहुत ज़्यादा ठुकरा भी रहे थे, सोच रहे थे उधर चल जाए तो फिर आप आएंगे कि नहीं, इसलिए नहीं ले रहे थे। तो दरोगा बनने का सपना तो था, दरोगा ही बनना था। हाँ, लेकिन पिछले बार फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था तो इस बार हो गया। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं? हाँ। पिताजी ऑटो चलाते, थोड़ा मोटिवेट मिला का है कि अब ज़्यादा थोड़ा एज होने के कारण परेशानी भी होने लगा तो अब सोचे उनको भी आराम की ज़रूरत है तो कुछ तो करना होगा, बड़े बड़े बेटा होने के कारण। तो एक थोड़ा से कितना पैसा पापा भेजते थे पढ़ाई करने के लिए महीने का? पैसा तो भेज देते थे लेकिन वही मुश्किल से, मतलब दिन भर बारिश में धूप में भीग करके ऑटो चलाते होंगे। हाँ, ये तो है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, देखकर कुछ जज्बा था कि कुछ करना ही है। पापा का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा, ऐसे पढ़ाई के लिए प्रेरित हमारे दादाजी किए थे, अब दादाजी तो नहीं रहे, अब पापा जी का मेहनत रंग लाया। मम्मी ऑटो छोड़वा देंगे? हाँ, अब थोड़ा आराम की जरूरत है, या नहीं तो ऐसा कुछ काम करेंगे जो जिसमें उसको आराम महसूस हो, मतलब कोई रोजगार करके। हाँ, बिजनेस करके। हाँ, दे कुछ आराम महसूस हो, काहे कि ऑटो बहुत ज़्यादा परेशानी वाला जॉब है। कोई बड़े बेटे हैं? हाँ, घर के बड़े बेटे? हाँ, एक छोटा भाई है, मतलब थोड़ा सा 2-3 साल का छोटा, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो सारी जिम्मेदारियाँ घर के बड़े बेटे पे होती है। हाँ, ये तो है, दरोगा बन गया। बड़े होने के कारण थोड़ा जज्बा भी था कि कुछ करना है तो शायद घर को भी ऐसा लगा कि नहीं छोड़ देना चाहिए, कमाने जाना चाहिए गुजरात पंजाब, लोग जैसे जाते, कभी ऐसा इस बार लग रहा था कि नहीं होगा तो कुछ काम करेंगे साइड से, मतलब अब पढ़ाई छोड़ देना? नहीं नहीं सर, मतलब कुछ जरूर काम करेंगे, मतलब कि बहुत पैसा नहीं लेना है। हाँ, मतलब अब कितना मम्मी, हम जान रहे हैं कि घर की स्थिति कैसी है, वो थोड़ा कर्ज लेकर या जहाँ तहाँ से होता है मम्मी समूह से पैसा उठाकर या जैसे तैसे पैसा भेजते थे तो वो सब थोड़ा सा था। बिहार को कैसे सुधारिएगा एज ए दरोगा, दरोगा बन के कैसे सुधारिएगा? कोशिश तो सर रहेगा कि दरोगा तो एक पद होता है कि जो समाज को ठीक कर सकता है, मतलब कह सकते हैं आप थाने स्तर पर या गरीबों का जो भी असहाय उसका सहयोग कर सकते हैं, उसमें सहयोग की भावना तो जरूर रहती है। अभी हमारे साथ एक ऐसे युवक है जो ये भी जो है कि बिहार दरोगा में सेलेक्ट हुए हैं, इनकी माता जी भी आई हैं इस सम्मान समारोह में, भी बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं ऋतिक कुमार नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले? हाजीपुर मालेगांव। हाजीपुर? हाँ। दरोगा बन गया? हाँ। तो दरोगा में अपनी माता जी को लेकर के आए सम्मान समारोह में, इससे बड़ी की खुशी की बात और क्या हो सकती है? बहुत बड़ी खुशी की बात है। मुझे ये बताइए, घर के बड़े बेटे हैं? हाँ, घर के बड़े बेटे हैं। सारी जिम्मेदारियाँ बड़े बेटे के ऊपर होती है और बेटा दरोगा बन गया? बेटा दरोगा बन गया, बहुत खुश है। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी मजदूर हैं। मजदूर हैं? हाँ। मतलब मेहनत मजदूरी करते हैं? मेहनत बहुत मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। पिताजी के कारण ही मोटिवेशन नहीं मिला। पिताजी मेरे घर से मतलब हाजीपुर से 8 किलोमीटर दूर है घर, मेरा गांव माइल, वहां से साइकिल से डेली मतलब आते थे यहां पे पटना सिटी में यहां पे मजदूरी करने के लिए, डेली साइकिल चला के आते थे, उन्हीं के कारण हमको मोटिवेशन मिला। तो कैसे मतलब पैसा का कहां से बजट होता था पढ़ाई करने के लिए? पैसा पापा ही के तरह मतलब मजदूरी कर करके जुटा जुटा के पढ़ाते थे हम लोग। कैसे पैसा का व्यवस्था आप करती थी? हम नहीं करते थे, पापा इसको करता था। मतलब सब लोग मिलजुल के ही करते होंगे, पापा कमा आप 200-400 बचाती होंगी तभी तो। मेहनत करें, अपना रखें, बचाएं लड़का के, पढ़ाएं लिखाएं कि आगे बढ़े। मेहनत मेरा लड़का बहुत करा, बहुत करा। अब तो सारा दुख खत्म हो जाएगा, फल भगवान दे दिए। तो लगता है कि जो मेहनत किया उसका सपना पूरा हो गया। पूरा हो गया। कितने बाल बच्चे हैं? 3। बड़ा बेटा दरोगा बन गया, छोटे वाले को क्या बनाना है? अभी तो पढ़ ही रहा है, बीए में है। अभी पढ़ रहा है? आपके भाई सब पढ़ रहे हैं, बीए में। तो बड़ा बेटा दरोगा बन गया, छोटा वाला क्या बनेगा जी? वो भी कुछ बनेगा। चलिए ये बताइए, दरोगा बन के बिहार को कैसे सुधारिएगा? अच्छे तरह सुधारेंगे बिहार को, सुधार करेंगे। सुधार करेंगे तो अच्छे। चलिए हमारे साथ एक और थे, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। भागलपुर से पटना में पढ़ाई करते हैं? नहीं नहीं, मैंने घर से किया, वहाँ सर का कुछ मतलब प्रीवियस ईयर हो गया और सर का कुछ नोट्स हल्का फुल्का हो गया और फिर 50 क्वेश्चन का सेट 7 से 9 चलता था उसको फॉलो किया। ऑनलाइन क्लासेस करते? ऑनलाइन हाँ लिया हूँ सर का, मतलब फ्री में ही यूट्यूब में अवेलेबल था वो। सर था कि ज्ञान बिंदु कोचिंग में जो बातें की जाए 300 बच्चे दरोगा, ये सही है? सही बात है ये, मतलब 300
बच्चे बने हैं? एग्जैक्ट उससे ज्यादा ही होगा, इसमें कुछ झूठ नहीं ना, है ना, कोई झूठ नहीं है, सच्चाई है ये। अच्छा एक बात बताइए, कहा जाता है कि यहाँ पे जो बच्चे पटना में पढ़ने आते हैं वो पढ़ाई नहीं करते, बहुत सारे सक्सेस नहीं हो पाते, कैसे सक्सेस हो गए लोग? नहीं नहीं नहीं, जो सक्सेस वही होते हैं जो कि मतलब निरंतर लगे रहते हैं, बाहर का डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, घूमना फिरना नहीं, मतलब जो काम के लिए आप यहाँ पे भागलपुर आए, पढ़ने के लिए आए तो पढ़िए घूमिए मत, सिर्फ काम मतलब वर्क पे फोकस करिए, पर डे का क्लासेस आइए, क्लास का डेली मतलब जो भी सर पढ़ाएं उसको रिवीजन बार बार कीजिए, दिन भर आपका फोकस अपना गोल पे रहना चाहिए, ना कि यहाँ का डिस्ट्रैक्शन पे है। डिस्ट्रैक्शन तो है, अटेम्प्ट था, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, पहली बार में दरोगा? हाँ, मेरी 23 साल उम्र भी हो रही है अभी, तो बनना था तो दरोगा। हाँ हाँ, चाहिए बताए 23 साल की उम्र में दरोगा बन गया? हाँ 23 साल। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी वर्कर हैं, धनबाद में काम करते हैं। वर्कर है? हाँ धनबाद में। धनबाद में? हाँ धनबाद में। गांव के लोग कैसे खुश है? बहुत ज्यादा खुश है, मेरे सबसे ज्यादा मेरे जीजा जी और मेरे दीदी, उन्हीं का सपोर्ट के कारण मैं यहाँ पे बन पाया हूँ। जीजा जी नहीं मतलब उन्हीं के यहाँ पे मैं रहा हूँ 2 साल, फिर वहीं पे घर पे प्रिपरेशन किया, बहुत सपोर्ट किए, बोले हो जाएगा हो जाएगा। इससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस का गया था तो मेरा माइक्रो सेकंड से रह गया था वो, और उसके बाद उससे पहले मद निषेध था, उसमें भी मैं मतलब ये जुलाई में हुआ था 689, उसमें नहीं हुआ, लेकिन वो कहें कि निरंतर करते रहो सफलता मिल जाएगी, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। अभी हमारे साथ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के रोशन आनंद सर हमारे साथ मौजूद है, 1275 में लगभग 300 बच्चों को ये सफल बना चुके हैं, कैसे स्ट्रेटेजी पे काम किया कि 300 बच्चे सक्सेस हो गए सर? देखिए हम इस परीक्षा को स्वयं 4 बार क्वालिफाई किए हैं, तो जो स्ट्रेटजी अपना करके हम क्वालिफाई किए हैं वही स्ट्रेटजी के तहत विद्यार्थी को भी तैयारी करवाए, बस यही है कि लोग सफल हो गए। लेकिन बहुत सारे विरोधी एक्टिव हो गए हैं आपको पीछे करने के लिए, आपको जो है कि बैक करने के, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा सर? कुछ नहीं कहेंगे, हम अपना ईमानदारी से काम करते रहेंगे, लोगों का काम कहना है, हमारा काम है ईमानदारी से लगातार मेहनत करते रहो। बहुत सारे बच्चे घर पे बैठे बैठे पढ़ाई नहीं कर पाते, पैसों के अभाव में पटना नहीं आ पाते, उन गरीब बच्चों के लिए क्या कहिएगा? वो हमारे संस्थान है, हम उनको ऑनलाइन एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे, अगर आर्थिक तौर पर वो कमजोर हैं तो हम उनको शिक्षा देंगे। 300 बच्चों में क्या सच में 300 बच्चे यहाँ से पास हुए हैं या बस दिखावा है? अच्छा आप कितना देर पहले आए हैं यहाँ? अभी लगभग 3 बजे से हम यहाँ। 3 बजे से हैं तो आपको नजर नहीं आया, आपको कहने का जरूरत है? तो क्राउड इतना था कि समझो में बहुत भीड़ था सर। तब कहने का क्या है, ये तो अंतिम में अब तो लोग खाना भी खा करके निकल गए हैं बहुत सारे, ये तो है, नाश्ता भी बट रहा है, खाना भी, नाश्ता भी बट रहा है, खाना भी बट रहा है। फ्यूचर को लेकर के क्या कहेंगे जो बच्चे सफल नहीं हो पाए, नए बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं? फ्यूचर को लेकर के यही कहेंगे, जो लोग सफल नहीं हो पाए उनको घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, जो कमी रह गया उसको पहचानिए और उस पर काम कीजिए। जैसे मुकुंद जी है यहाँ पर, पिछले बार इनका मेरिट नहीं बना, मैथ रीजनिंग के कारण मेरिट नहीं बना, तो मैथ रीजनिंग पर इस बार काम किए और 87 क्वेश्चन सही करके आए हैं, तो अपनी कमजोरी को पहचान करके उस पर काम कीजिए, आपका रिजल्ट लगता है। महिलाओं ने ज़्यादा मतलब लड़कियों ने ज़्यादा बाजी मारी है इसमें? दोनों का रेशियो सेम एवरेज रहा? हाँ सेम रहा है लगभग। चलिए हमारे साथ रोशन आनंद सर, जिन्होंने लगभग 300 बच्चों को, 300 छात्र छात्राओं को जो है कि दरोगा बनाया, इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।